सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल वेल ड्रामे के शुरुआत में हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम के कुछ मेंबर्स जो है डिसाइड करते हैं कि वो आपस में एक कंपटीशन रखेंगे जहां पर एक पर्सन रोप को बांधेगा और दूसरा पर्सन उस रोप के सहारे बिल्डिंग से नीचे उतरेगा वैल well, इन लोगों का मेन गोल ये था कि ये चेक करना कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस पर्सन की है बल well, यहाँ पर हमारे डैपिंग के पास कोई भी पार्टनर मौजूद नहीं होता है जिस वजह से सभी लोग कहते हैं डैपिंग को कि वो अपनी टीम में रॉबन को रख ले। लेकिन हमारी डैपिंग की रॉबन से बहुत बुरी वाली दुश्मनी होती है वेल क्योंकि हमारे डेपिंग को लग रहा होता है कि रॉबन को कोई भी स्किल नहीं आती है और साथ साथ अभी भी हमारे डेपिंग को यही लग रहा था कि रॉबन की वजह से ही हमारे फालकुन की डेथ हुई लेकिन यहाँ पर हमारे डैपिंग को कॉम्पिटिशन भी लड़ना था जिस वजह से ना चाहते हुए भी हमारे डैपिंग को अपनी टीम में रॉबन को रखना पड़ता है वेल यहाँ पर हमारा रॉबन नोट को बांधता है और हमारे डैपिंग का काम होता है उस रोप के सहारे बिल्डिंग से नीचे उतरना लेकिन जब हमारा रॉबन उस रोप को बांध रहा होता है तो तभी अचानक से हमारे रॉबन को हेलोसिनेशन आने लग जाते हैं जहाँ पर हमारे रॉबन को वापस से फाल्कोन की याद आने लग जाती है और ऐसे याद करते हुए हमारा रॉबन वहीं पर स्टैचू सा खड़ा हो जाता है और अब आगे होना क्या था हमारा रॉबन तो स्टैचू बन के वहीं पर खड़ा रह जाता है वहीं पर हमारी दूसरी टीम जो है फटाफट से रोप को बांध के बिल्डिंग से नीचे उतर जाती है और कॉम्पटिशन को जीत जाती है वेल अब हमारा डैपिंग कॉम्पिटिशन हार जाने के बाद रॉबन पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें कोई स्किल नहीं आती है तो तुमने रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम को ज्वाइन क्यों करा तुम्हें जो है यहाँ पर नहीं आना चाहिए तुम उल्टा जो है दूसरों को भी नुकसान पहुँचा सकते हो वेल ये बात हमारे रॉबन को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है वेल यहाँ पर हमारे रॉबन अपना मन हल्का करने के लिए ज्ञान को मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर दोनों के दोनों ग्रोसरी शॉप में एक दूसरे से मिलते हैं वेल यहाँ पर हमारा रॉबन ज्ञान से पूछता है कि क्या उसे रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम में स्टिल काम करना चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए जिस पर हमारी जीन का सिर्फ एक ही रिप्लाई होता है कि अगर तुम्हें लोगों की जान बचाने से खुशी मिलती है तो ऑफकोर्स तुम्हें रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम को छोड़ना नहीं चाहिए वेल अब हमारे रॉबन जान से बात कर ही रहा था कि तभी हमारा रॉबन देखता है कि एक बच्चे के ऊपर बहुत सारा सामान नीचे गिरने वाला है जिस वजह से हमारा रॉबन भागता हुआ उस बच्चे के पास जाता है और उसकी जान बचा लेता है और यहाँ पर हमारे रॉबन को उसके सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि हाँ रॉबन को लोगों की जान बचाना पसंद है तो यानी कि हमारे रॉबन को रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम को छोड़ना नहीं चाहिए वेल अब नेक्स्ट सुबह हमारी लो यान शोंग फई की शॉप में पहुंच जाती है जहाँ पर शौंग फाई को एक मैसेज आता है वेल फाल्कुन की डेथ के बाद उसके पेट की कोई भी देख नहीं कर रहा होता है तो रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम के लोग सोच रहे होते हैं कि हमारा शौंग तो जॉब के लिए आ नहीं रहा है तो तब तक हमारा शौकुन के पेट की उस पेट तो को, को अपने घर में, में लेके आई हुई होती है और रॉबन के आते छुपा देती है लेकिन हमारा रॉबन मैट के ऊपर बहुत सारे बाल देख लेता है और समझ जाता है कि हमारी लुअयान किसी पेट को अपने घर में लेके आई हुई है वेल यहाँ पर हमारे रॉबन को पेट पालना ज्यादा पसंद नहीं होता है क्योंकि रॉबन को लगता है कि उनकी वजह से गंदगी होती है लेकिन जब हमारा रॉबन देखता है कि लो यान और किसी के पेट को के के लाई है जिस वजह से हमारा रॉबन डिसाइड करता है कि ठीक है वो फाल के पेट की केयर करने के लिए तैयार है क्योंकि यहाँ पर हमारे रॉबन को लग रहा होता है कि फालकुन की डेथ की वजह जो है थोड़ा बहुत तो हमारा रॉबन है ही है जिस वजह से हमारा रॉबन चाहता था कि वो फाल्कुन के पेट की केयर करे ताकि ऊपर से जो है हमारा फाल्कुन ये देख सके कि हाँ भाई उसके जाने के बाद जो है उसकी पेट की देखरेख करने वाला कोई है ऑलरेडी बिल अब नेक्स्ट डे एज यूजल लोअ यान सुबह सुबह शॉन्गफाई की हेल्प करने के लिए उसके शॉप में जाती है यहाँ पर लो यान शॉंगफाई को बताती है कि उसके लकी शूज जो है थोड़े से डैमेज हो चुके हैं जिस वजह से आज लो यान इन शूज को रिपेयर करवाने के लिए भी जाएगी बिल यहाँ पर शॉन्ग को भी थोड़ा बहुत शूज रिपेयर करना आता था और अभी तक लोअ यान ने शॉन्गफे की काफी ज्यादा हेल्प करी है जिस वजह से शॉन्गफ लो यान के शूज अपने पास रख लेता है लो यान ने अभी तक जितनी भी शॉन्गफाई की हेल्प करी है उसके बदले में शॉन्गफ डिसाइड करता है कि वो लोअ यान के शूज को और और भी ब्यूटीफुल बना के रहेगा साथ ही साथ शॉंग फाइ लोहन को यह भी बताता है कि आज उसकी मदर का बर्थडे है जिस वजह से शॉन्फाई आज बहुत ही जल्दी शॉप को बंद भी कर देगा यानी कि हमारी लोयान को स्कूल की छुट्टी के बाद शौक फाई की हेल्प करने की जरूरत नहीं है आज पर यहाँ पर हमारा शौक फई लोह यान को अपनी मॉम के बर्थडे पे इनवाइट भी करता है और ऑफ कोर्स हमारे शौक फाइ ने बुलाया और लोह यान ना जाए वह लो यान जो है जरूर जाती है शौंग फई के मॉम के बर्थडे पे जहाँ पर हमारे शौक फई के मॉम डैड को लोह यान काफी ज्यादा पसंद आती है यहाँ पर हमारे शौंग फाई को लगता है की शायद से हमारी लोह यान बोल नहीं सकती है जिस वजह से हो सकता है की उसके मॉम डैड को हमारी लोह यान ज्यादा खास पसंद ना आए पर ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे शोंग फई के मॉम डैड का मानना ये था की अगर हमारे शौक भाई जो है लोह यान को लाइक

शोंगफाई को यहाँ पर किस भी कर देती है और ये भी बता देती है कि वो शॉन्ग को लाइक करती है और वेल हर लड़की की तरह पर किस करते ही हमारी लोहयान काफी ज्यादा शर्मा जाती है और अपने घर की तरफ तुरंत ही दौड़ जाती है लेकिन लोहयान ये बात अपने भाई को बिल्कुल भी पता लगने नहीं देती है वेल ये बात हमारी लोहयान सिर्फ और सिर्फ डिंगडिंग के साथ शेयर करती है और ये भी बता देती है कि उसने फाइनली शॉन्गफ को अपनी सारी की सारी फीलिंग्स जो है बता दी है और वेल हमारे डिंगडिंग को लोयन काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और ऑफ कोर्स लोहान का नेचर भी काफ़ी ज़्यादा मस्त था और हमारी डिंगडिंग हमारे शोंग फई को भी काफ़ी अच्छे से जानती थी क्योंकि शोंग फई का भी नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था जिस वजह से डिंगडिंग भी खुश होती है इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर पर हमारी डिंगडिंग को यही डर होता है कि कहीं रॉबन को ये बात पता चली तो कहीं बबाल ना हो जाए क्योंकि पहले से ही जो हमारा रॉबन लो के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहता है वहीं पे ही दूसरी तरफ लोयान की लाइफ में अभी अभी तो खुशी आई थी कि तभी अचानक से लोयान की लाइफ में वापस से प्रॉब्लम आने लग जाती है बिल अचानक से हमारी लोयान जो है अब्रॉड स्टडी के लिए सिलेक्ट हो जाती है बिल ये देखकर लोयान एक तरफ से तो काफी ज्यादा खुश होती है लेकिन तभी अचानक से लोयान को याद आती है हमारे शोंग फई की क्यूँकी स्टडी करने के लिए काफी सालों तक लोयान को शोंग फई से दूर रहना पड़ेगा यहाँ पर जब डिंग को ये बात मालूम पड़ती है तो डिंग डिंग लोअ से पूछती है की क्या उसने ये बात शोंग फई या रॉबन में से किसी को बताई है लेकिन हमारी लोयान डिसाइड कर चुकी थी कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर रखेगी क्योंकि हमारी लोयान डिसाइड कर चुकी थी कि वो अब्रॉड पढ़ने के लिए नहीं जाएगी कि तभी अचानक से लोयान को शोंग फाई का मैसेज आता है क्यूँकी शांक शूज ठीक कर चुका था जिस वजह से नेक्स्ट डे शोंग फाइ लो से मिलने वाला था और वेल ये न्यूज सुनते ही जो है लोयान तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने रूम की तरफ निकल जाती है भले ही लो यान यहाँ पर अपने भाई से ये बात छुपाना चाहती थी लेकिन उल्टा रॉबन को अब्रॉड से ही कॉल आ जाता है ये पूछने के लिए कि आपकी बहन कब से यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रही है जिसके बाद रॉबन को लो यान के रूम से एडमिशन लेटर भी मिल जाता है और यहाँ पर रॉबन समझ चुका था की उसकी बहन ने ये बात उससे छुपाई रॉबन को मालूम था की लो यान शायद से शॉन्ग फे को लाइक करने लग गई है लेकिन रॉबन नहीं चाहता था की उसकी बहन जो है सिर्फ और सिर्फ प्यार के चक्कर में अपना करियर बर्बाद करे ताकि आगे चल के लो यान को पछतावा भी हो इस बात का जिस वजह से जैसी ही लोयान घर में पहुंचती है तो रॉबन तुरंत ही लोयान का फोन उससे छीन लेता है और लोयान को रूम में बंद कर देता है जिसके बाद नेक्स्ट सुबह तुरंत ही रॉबन लोयान को एयरपोर्ट तक भी छोड़ के आ जाता है यानी कि हमारी लोयान जबरदस्ती रॉबन की वजह से अब्रॉड जा चुकी है वेल यहाँ पर शोंग फाइ काफी बार कॉल भी करता है लोअयान को क्योंकि शोंग शोंक ने लो यान को मिलने के लिए भी बुलाया हुआ था लेकिन दूसरी तरफ से हमारा रॉबन ये कॉल पिक करता है वेल रॉबन शोंग फाई से पर्सनली मिलने जाता है और शोंग फाई को बता देता है की लोअन अब्रॉड जा चुकी है और मैं नहीं चाहता हूँ उसका करियर बर्बाद हो और यहाँ पर शोंग फाई रॉबन की मजबूरी को समझ सकता था क्योंकि शोंग फाई की खुद की भी एक बहन है और हर भाई यही चाहता है की उसकी बहन कैसे न कैसे करके कामयाब हो भले ही उसके लिए भाइयों को जो है बुरा भी क्यों ना बनना पड़े यहाँ पर हमारा रॉबन लोयान को जबरदस्ती अब्रॉड भेज के ज्यादा खुश नहीं होता है जिस वजह से रॉबन अपने माइंड को शांत करने के लिए जान के घर उससे मिलने के लिए जाता है यहाँ पर रॉबन जैन को बताता है कि उसकी बहन शुरुआत में अब्रॉड जाने के लिए काफी मेहनत करा करती थी लेकिन को लाइक करने के बाद उसने अपने खराब है वह एक बार शौंग की बहन को कुछ लड़के छेड़ रहे थे और अपनी बहन को बचाने के चक्कर में गलती से शोंगफफ ने एक की जान ले ली यहाँ पर रॉबन समझ सकता था की शोंक फे ने सिर्फ और सिर्फ ये काम अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए करा था न की जान के लेकिन स्टिल शोंग फाई के इस पास्ट की वजह से कोई भी शौंगफाई को अपनी कंपनी में नहीं रखता है और अभी तक रोवन जितनी भी मेहनत कर रहा था सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की नीड्स को पूरा का पूरा फुलफिल करने के लिए कर रहा था और जब हमारे शौक फे का आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है तो वो लोहो का कैसे ध्यान रख पाएगा वे ये सब कुछ बताने के बाद रॉबन काफी ज्यादा थक जाता है जिस वजह से वो पूरी रात जियान के घर में ही सोता है वेल नेक्स्ट सुबह जब हमारी जियान की आंख खुलती है तो तब तक, तक रॉबन वहाँ से जा चुका था लेकिन यहाँ पर रॉबन जियान के पूरे के पूरे फ्रिज में खाना भर के जा रखा होता है और साथ साथ गरम गरम खाना जियान के लिए बना के भी गया हुआ होता है जिसे देखकर हमारी जियान काफी ज्यादा रॉबन से इम्प्रेस हो जाती है वहीं पे दूसरी तरफ हमें शॉकिंग न्यूज मालूम पड़ती है कि लोयान एक्चुअली में तो अब्रॉड गई नहीं वे लो अपने भाई के जाते एयरपोर्ट से भाग वापस ऐसी के घर में जा चुकी थी वह लो को मालूम था कि रॉबन को ये बात बहुत ही जल्दी मालूम पड़ जाएगी लेकिन यहाँ पर लोअयान डिंगडिंग से वादा करने के लिए कहती है कि डिंगडिंग उसके भाई को ये बात ना पता लगने दे कि लो डिंगडिंग के घर में छुपी हुई है जैसे ही रॉबन को ये बात मालूम पड़ती है कि उसकी बहन अब्रॉड नहीं गई हुई है जिस वजह से रॉबन लो से पूछता है कि वो कहाँ पर है लेकिन लोहयान अपने भाई से गुस्सा थी जिस वजह से लोहोन साफ साफ कह देती है कि वो रॉबन से अभी मिलना नहीं चाहती है यहाँ पर रॉबन शॉन्क से मिलने के लिए जाता है क्योंकि रॉबन को लग रहा था की लो यान भी शांफ से मिलने के लिए गई हुई होगी जिस वजह से रॉबिन शांकफाई के पास जाकर उससे पूछता है कि तुमने मेरी बहन कहाँ पर छुपाई हुई है लेकिन उल्टा शॉन्फे को तो यह भी मालूम नहीं था की लो यान एयरपोर्ट से भाग चुकी है बिल यहाँ पर रॉबन ज्यादा ही जैसे चिक चिक करने लग जाता है शॉन्फई से तो शां भी अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाता है यहाँ पर शॉन्गफ रॉबिन से कह देता है की अगर तुम्हारी बॉन्डिंग इतनी ही अच्छी थी तुम्हारी बहन से तो शायद से जहाज तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती यानी कि लो यान जब एयरपोर्ट से भागती तो वो सबसे पहले तुम्हारे ही घर में तुमसे मिलने के लिए आती बात रॉबन के कुछ ज्यादा दिल में लग जाती है जिस वजह से रॉबन अब ज्यादा कुछ शॉन्ग फे से नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है जहाँ पर थोड़ी देर बाद हमारे शॉन्ग फई से लोहयान मिलने के लिए आ जाती है यहाँ पर शॉंग फई लोहयान को डांटता है की उसे इस तरह से भागना नहीं चाहिए था और साथ साथ अपने भाई को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था लेकिन लोयान सुनने वालों में से तोड़ना थी जिसके बाद शॉन्ग फई लोहयान की रिपेयर करे हुए शूज लोयान को पकड़ा देता है जहाँ पर शॉन्ग फई ने काफी अच्छी तरह से लोयान के शूज को रिपेयर करा हुआ था और साथ साथ फाइनली शौंग फई भी अपना लव कन्फेस कर देता है कि हाँ वो भी लोहोयान को लाइक करता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ वेल मैं एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ जिस पर मैं वीकली बेसिस पे कंटेंट डालूंगी और पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को एंटरटेन करने की वेल मैं फर्स्ट वीडियो क्यों ने के ऊपर लाने वाली हूँ तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है भर भर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इट वुड बी पर्सनल और इट वुड बी थोड़ा एंटरटेनिंग टाइप का मतलब थोड़े गंदे से हट के इंटरटेनिंग टाइप का एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ वेल आई होप सो आप लोग मुझे व्लॉगिंग चैनल में सपोर्ट करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स व्लॉगिंग चैनल में जो है फेस वैल्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और एज अ न्यू कमर जो है बहुत रेयर चांस होते हैं व्लॉगिंग चैनल जो है तुरंत ही ग्रो होने के और इवन मैंने आज तक कभी भी अपनी इस चैनल की वीडियोस अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स से जो है कभी भी प्रमोट नहीं करवाई है बट सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस पसंद करी वीडियो को लाइक करा और चैनल को सब्सक्राइब करा जिससे मेरा चैनल जो है ग्रो हुआ तो आई होप सो जो है आप लोग मुझे व्लॉगिंग चैनल में भी उतना ही सपोर्ट करेंगे तो अब बिना आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट करें अब ड्रामे में आगे बढ़ते हैं वेला वहीं पे दूसरी तरफ हमारा मिंगमिंग देखता है कि उसका फ्रेंड पानी में डूब रहा है जिस वजह से उसे बचाने के लिए हमारा मिंगमिंग मिंग भी पानी में कूद जाता है इवन हमारे मिंगमिंग मिंग को स्विमिंग करनी नहीं आती थी जिसके बाद लास्ट में हमारी जान मिंगमिंग और ज्विंगमिंग के दोस्त को बचाती है वेल यहाँ पर जब हमारा मिंगमिंग मिंग कोशिश कर रहा था अपने फ्रेंड को बचाने की उस टाइम पे गलती से वो अपने फ्रेंड के गाल में एक दो खरश मार देता है जिस वजह से मिंगमिंग का फ्रेंड जो है उल्टा मिंगमिंग की बेइज्जती करने लग जाता है और कहने लगता है कि तुम किस चीज के रेस्क्यू डिपार्टमेंट में काम करते हो क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है और वे जब हम कुछ भी सीख रहे होते हैं उस टाइम पे हमारी कोई बेजती करता है तो हम गिव अप कर लेते हैं और हम सोच लेते हैं कि हमारे काम का ही नहीं है ना ही ये हमसे होने वाला है जिस वजह से हमारे मिमिंग करता है कि वो भी अब रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम में काम नहीं करेगा लेकिन डिंगडिंग भी इस तरह से मिंग को हार मानता हुआ नहीं देख सकती थी जिस वजह से दिंग दिंग मिंग मिंग के सामने पानी में कूद जाती है जिसके बाद मिंगमिंग भी पानी में कूदता है और डिंगडिंग को पानी से बाहर निकालता है वे यहाँ पर हमारी डिंगडिंग को भी पानी में तैरना नहीं आता था लेकिन डिंगडिंग को मालूम था की मिंगमिंग जो है डिंगडिंग को बचा के रहेगा यहाँ पर जब मिंगमिंग मिंग देखता है की डिंगडिंग इतना ज्यादा विश्वास कर रही है मिंगमिंग के ऊपर जिस वजह से मिंगमिंग मिंग अपना माइंडसेट चेंज करता है और डिसाइड करता है कि वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम को तो नहीं छोड़ेगा साथ साथ इवन जो है उल्टा मिंगमिंग मिंग स्विमिंग करना सीखेगा मतलब वहीं दूसरी तरफ रॉबन को शक हो चुका था की उसकी बहन लो यान डिंगडिंग के घर में छुपी हुई है और इस बात को कन्फर्म करने के लिए रॉबन सीसीटीवी कैमरे का सहारा लेता है जहाँ पर रॉबन देख लेता है की उसकी बहन डिंगडिंग के घर से ही बाहर निकल रही है जिसके बाद रॉबन तुरंत ही अपनी बहन को कॉल मिलाता है और कल मिलने के लिए उसे नेक्स्ट डे जब लोन रॉबन से मिलने के लिए जाती है तो अपने साथ शौकफे को लेकर जाती है और रॉबन से कह देती है की दोनों के दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करते हैं बस वो चाहती है की रॉबन भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले लेकिन हमारे रॉबन सुनने वालों में से तोड़ना था रॉबन तुरंत ही खड़ा उठता और अपनी बहन को जबरदस्ती वहां से लेके चले जाता है घर जाने के बाद यान शॉन्कफाई को बताती है कि एक्चुअली में बचपन में रॉबन ने गलती से जो है लो यान को गलत दवाई खिला दी थी जिस वजह से लो यान की आवाज चली गई और इसी वजह से जो है हमेशा रॉबन रॉबन यान की एक्स्ट्रा केयर करता रहता है दूसरी तरफ का मूड थोड़ा सा खराब था और इस बात का पता ज्ञान को जैसे ही लगता है तो वो खुद से रॉबन से मिलने के लिए जाती है और पूरा दिन रॉबन के साथ एंजॉय करती है और इससे होता यू है की हमारे रॉबन का मूड भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है वही पे दूसरी तरफ यान ये सोचने में लगी थी की किस तरह से वो अपने भाई को कन्विंस करे या फिर कौन मेरे भाई को कन्विंस करेगा कि तभी लोयान को आइडिया आता है कि वो इस काम में जियान की हेल्प ले सकती है जिसके बाद लोयान नेक्स्ट डे जियान से मिलने के लिए जाती है और जियान से रिक्वेस्ट करती है कि जियान जो है इस बारे में रॉबन से डिस्कस करे क्योंकि ऑफकोर्स अगर डिंगडिंग ये बात रॉबन से कहेगी तो उल्टा रॉबन जो है दो तीन बातें और सुना देगा डिंगडिंग को जिस वजह से ज्ञान एक ऐसी लड़की है जिसकी बात हमारा रॉबन थोड़ा अच्छे से सुन सकता है और जब हमारी जियान भी देखती है कि हाँ भाई शॉन्ग फाई और लोहो यान एक दूसरे को सच में पसंद करते हैं जिस वजह से फाइनली जियान भी हमारी लोहो यान की हेल्प करने के लिए मान जाती है जिसके बाद जियान रॉबन को मिलने के लिए बुलाती है और इनकी मीटिंग लोकेशन होती है ठीक शोंग फाई के शॉप के थोड़ा सा दूर यहाँ पर जियान रॉबन को बताती है की उसने लोहो यान को ये बात नहीं बताई हुई है की वो और रॉबन जो है यहाँ पर उन दोनों को देखने के लिए आने वाले है यानी की ये दोनों के दोनों जो भी कुछ करने वाले है वो सब कुछ रियल रहने वाला है ना की कोई नाटक जिसके बाद रॉबन देखता है की लोहोयान और शोंग फई साथ में काफी ज्यादा खुश है इवन बीच में शौंगफ की मॉम भी जो है लोअयान को मिलने के लिए आती है और काफी अच्छे से लो को ट्रीट करती है बिल ये सारा का सारा सीन देखने के बाद रॉबन को लोहयान के बचपन की याद आ जाती है कि किस तरह से लोहयान के भी जो है मॉम डेट लोहयान को ऐसे ही प्यार करा करते थे बिल्कुल सब कुछ देखने के बाद रॉबन जान के साथ चले जाता है शॉन्कई और लोहयान से मिलने के लिए और शॉन्गफ से कहता है की वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन एक शर्त के साथ पहले यहाँ पर रॉबन की शर्त ये होती है की अगर सच में शॉन्ग फई लो यान को पसंद करता है तो शोंगफफई को जो है अपनी रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम को छोड़ देना होगा वेल जब रॉबन ये बात शोंगफफे से कह रहा था तो उस टाइम पे लोहयान को काफी ज्यादा अपने भाई पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि कोई भी पर्सन अपने करियर और अपने लाइफ पार्टनर में एक को तो नहीं चुन सकता है के बारे में सोचने के लिए। इसके बाद पास का सीन दिखाया जाता है की जब हमारा शौक फाइ जेल से रिहा हुआ था तो तब वो अपने घर जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था की इसके बाद वो क्या करने वाला है क्यूँकी उसे कोई भी इतनी आसानी से जॉब तो नहीं देने वाला है की अचानक से शौंक देखता है की एक बच्चा एक गड्ढे के अंदर गिर चुका है वेल यहाँ पर शॉक फाइ उस बच्चे को बचाने के लिए खुद भी गड्ढे के अंदर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे क्विन शान की क्विन शान जो है हमारे शौंग फई को रोकता है और कहता है कि हम रेस्क्यू डिपार्टमेंट वाले हैं और ये काम हमारा है वेल जब शौंग फई देखता है कि उसने फाइनली एक बच्चे की जान बचाई है तो इस वजह से शोंग फई को काफी ज्यादा खुशी होती है और शौंग फई क्वीन शान से पूछता है की क्या वो भी इस जॉब को कर सकता है और ऑफ कोर्स ये जॉब तो कोई भी कर सकता है क्योंकि उन लोगों का काम है लोगों की जान बचाना और ऊपर से इन लोगों को पहले से ट्रेनिंग भी दी जाती है अगर आप अभी तक इस टाइम स्टैम्प तक मौजूद है यानी कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मुझे भी पता चल सके कि यस आप लोगों को मेरा कंटेंट सच में पसंद आ रहा है तो वे लगभग ड्रामे को आगे बढ़ाते हैं वे लगभग शोंग फई के सामने काफी बड़ी मुसीबत थी क्योंकि जॉब और लो दोनों की दोनों ही जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट थी लेकिन शोंग फई समझ सकता था कि Robin ने ये सब कुछ क्यों कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शौक खतरे में जाए और आगे चल के जो है लोअ यान शॉन्ग की चिंता करे क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि इन लोगों का काम होता है एक दूसरे को रेस्क्यू करना और अफकोर्स इस बीच में इन लोगों की जान भी चली गई तो इनके फैमिली मेंबर्स को ही सबसे ज्यादा दुख होगा और एट द एंड फाइनली शोंग फाई डिसाइड कर लेता है कि वो इस जॉब को छोड़ देगा क्योंकि लोअ यान उसकी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब आगे होना क्या था जब शौक इस जॉब को छोड़ने के लिए रेडी है तो रॉबन के टेस्ट में वो पास हो चुका है जिसके बाद रॉबन को भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है शौक फी और लोयान को एक साथ देखने की लेकिन जैसी ये बात फैपिंग को मालूम पड़ती है कि ये सब कुछ रॉबन के इस शर्ट की वजह से हुआ है तो एक बार फिर से फैपिंग रॉबन के पास चिल्लाने के लिए चले जाता है कि तुम्हारी वजह से इतना अच्छा इंसान जो है रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम को छोड़ के जा रहा है वेल well, पिछली बार भी फालथ की डेथ की वजह से फैपिंग ने रॉबन पे ही काफी ज्यादा चिल्लाया था और साथ साथ अब की बार भी जिस वजह से रॉबन में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो जाता है अंदर से और अपने स्ट्रेस को शांत करने के लिए रॉबन निकल जाता है गाना गाने के लिए वहीं पे दूसरी तरफ जियान को भी पता चल चुका होता है की शोंग यान को चूज करा है जिस वजह से जियान तुरंत ही रॉबिन को कॉल करती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि शौक फे काफी अच्छा इंसान है यहाँ पर रॉबन भी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ इस बार वो गलत था शौक फे काफी अच्छा इंसान है लो यान के लिए लेकिन रॉबन का मानना यह भी था कि जब तक तुम्हारी लाइफ इससे क्यों नहीं है तब तक तुम कभी भी हैप्पी फैमिली नहीं बना पाओगी वेल ये बात पता नहीं हमारी जियान को क्या लगती है यानी कि जियान को पता नहीं ये क्यों चुपती है जिसके बाद जियान जो है हमारे रॉबन से मिलने के लिए जाती है और फाइनली अपनी फीलिंग्स रॉबन को बता देती है यानी कि हमारी जियान भी जो है रॉबन को पसंद करती है और रॉबन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है वेल इसके बाद तो हमारे रॉबन काफी ज्यादा खुश होता है है क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो इतनी कोशिश कर रहा था बिना ज्यादा एफर्ट के वो वापस उसकी हो चुकी है लेकिन वहीं भी दूसरी तरफ हमारी लोहो यान इस बार रॉबिन से काफ़ी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि ना ही हमारा रॉबन शोंग के सामने ऐसी शर्त रखता ना ही शॉन्ग को जो है ये जॉब छोड़नी पड़ती पर खैर रॉबन अपनी बहन की ज़्यादा बात सीरियस नहीं लेता है और जिसके बाद नेक्स्ट डे जाते ही क्विनशान को बता देता है कि वो जान के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है यानी कि आपकी बेटी के साथ मैं रिलेशनशिप में, में हूँ वेल क्विनशान भी जो है रॉबन के नेचर को जानता था और क्विंशान को भी रॉबन काफ़ी पसंद था जिस वजह से हमारा क्विनशान भी रॉबन को एक्सेप्ट कर लेता है अपनी बेटी के लिए वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत बड़ी बात रिवील होती है वेल शौक फे लोह को उसके घर तक छोड़ने के लिए आया हुआ था और जैसी लोहान घर जाने वाली थी तो शौक फई लो को एक बात बताता है कि एक्चुअली में शोंग फे ने रॉबन की वजह से जॉब नहीं छोड़ी वैल जब रॉबन को शोंग फई ने बताया था कि वो लोहो यान को चूज करना पसंद करेगा तो रॉबन के टेस्ट में शोंग फे ऑलरेडी पास हो चुका था यानी कि रॉबन सिर्फ और सिर्फ शॉन्क फे का टेस्ट लेने में लगा हुआ था और रॉबन का कहना यह था कि शॉन्क फैया अब जॉब भी कर सकता है पर इस बार शोंक फाइ खुद से चाहता था रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम को छोड़ना क्योंकि वो नहीं देख सकता था लोहयान को परेशानी में जिस वजह से शोंक वे ने ये जॉब रॉबन की वजह से नहीं बल्कि खुद के डिसीजन की वजह से छोड़ी थी और वेल ये बात सुनते लोहयान को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो इतने टाइम से अपने भाई को इग्नोर मारने की कोशिश कर रही थी बल्कि उसका भाई जो है बेकसूर था जिसके बाद तुरंत ही ही घर जाते ही, सबसे पहले अपने भाई को कस के गले लगाती है नेक्स्ट सीन में हमारे के 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 फैंस ने के लिए बहुत सारे लिपस्टिक के भेजे हुए थे क्योंकि उन लोगों को डिंगडिंग की लिखी हुई कॉमिक काफी ज्यादा पसंद आ रही थी लेकिन हमारी डिंगडिंग इतने सारे लिपस्टिक का करती क्या जिस वजह से डिंगडिंग उन सारी की सारी लिपस्टिक को जो है रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम के पास लेके जाती है और सभी लोगों को बाढ़ दे है उनकी गर्लफ्रेंड को देने के लिए और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ है है। well, रॉबन को, है है। को चुना गया था वेल well, एक तो इन दोनों की बनती नहीं है और ऊपर से इन दोनों को साथ में मिशन दे दिया गया था लेकिन रास्ते में हमारा फैपिंग रॉबन से माफी मांग लेता है क्योंकि हमारा फैपिंग भी समझ चुका था उसने कुछ ज्यादा ही जो है रूडली बिहेव किया है रॉबन के साथ साथ जन जान भी रॉबन के साथ इस मिशन में गई हुई होती है ताकि जब तक रॉबन और फैपिंग उन बच्चों को ढूंढे तब तक होते हैं कि से उन लोगों की जाती है खाई की तरफ जहाँ पर हमारे रॉबन को किसी की डेड बॉडी दिखाई देती है वेल अब वो बॉडी किसकी थी वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा तो वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ आइकन भी दबा दीजिए कि जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप लोगों को पता चल जाए तो तब तक के लिए बाय